आप कोई भी बिजनेस करते हो, मान लीजिए आप कपड़े का दुकान लगाओगे तो कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा कोईगा? और उसमें भी रिटर्न का गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपका बहुत कम लागत में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको इनकम का गारंटी है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ जिस बिजनेस से आप मात्र आधे घंटे की सर्विस देकर के 4 से 5 हजार रुपए सिर्फ बैठे बैठे कमा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोडक्ट को सेल करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक छोटी सी मशीन आप लोगों को नजर आ रही है, यही मशीन आपको मात्र आधे घंटे की सर्विस में 4 से 5 हजार रुपए कमा करके देगी। अगर आप पूरे दिन भी अगर कहीं पर भी इस मशीन का सेटअप लगा करके बैठ जाते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए इजीली आपके पास में डेली बेस के ऊपर आपके पास में नगद पैसा आएगा। ऐसा भी नहीं कि वो पैसा एक महीने बाद आ रहा है, एक साल बाद आ रहा है, डेली बेस आपके पास में पैसा आता रहेगा। इस चीज की पूरी कंपनी गारंटी दे रही है कि आपके पास में 100% इतना पैसा आएगा कि आपने कभी कोई ऐसा बिजनेस नहीं देखा होगा कि इतना इन्वेस्टमेंट करके आप इतनी कमाई कर सकते हैं। आज के जमाने में कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करता है तो ही वो 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा पाता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, इसको एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। अभी सर थोड़ा सा बताएंगे, सर थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि कौन सी आपकी कंपनी है और किस तरीके से ये वर्क करती है मशीन। देखिए सर, हमारी कंपनी का नाम है टेक डिकार्बो। ठीक है। सन 2016 से हम लोग वर्किंग में है इस टाइम पे। पैन इंडिया लेवल पे हमारे अभी 700 से ज्यादा सेंटर रनिंग में है। इसके अलावा हमारे अफ्रीका में और साउथ ईस्ट में भी हमारे कुछ सेंटर्स डले हुए हैं। ये बेसिकली हमारा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम है। हमारी कंपनी जो है ISO CE और GMP सर्टिफाइड कंपनी है। इसमें मशीन में क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी गाड़ी अगर रन करते हो, जो भी गाड़ी 30,000 किलोमीटर के आसपास चल जाती है तो उसमें कार्बन डिपॉजिट आने शुरू हो जाते हैं इंजन के अंदर, जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज पिकअप दिन पे दिन ड्रॉप होता जाता है। जो गाड़ी शुरू में 20 का माइलेज दे रही थी वो बाद में जाके 16 का माइलेज पे आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारा ब्लैक स्मोक आपको देखने को मिलता है, स्पेशली डीजल गाड़ियों में। तो ये मशीन क्या करती है, और जो भी कार्बन डिपॉजिट जिसकी वजह से ये समस्याएं आपकी गाड़ी में आ रही हैं, उसको केवल आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा साफ कर देती है गाड़ी के इंजन से, बिना इंजन के एक भी सिंगल नट बोल्ट को खोले हुए। अगर मान लीजिए आपके पास में एक दिन में अगर 3 से 4 क्लाइंट भी अगर आते हैं तो इजिली आप मान के चलिए 12 से 15 हजार रुपया इसमें कमा लेते हैं। 12 से 15 हजार रुपए आप इजिली निकाल, 2 से 3 क्लाइंट के अंदर ही, केवल 2 से 3 क्लाइंट के अंदर में। और सर ये तो इजिली आ ही जाते हैं, इजिली आ जाते हैं। देखिए अगर इसमें क्या है कि आपका पर क्लाइंट का जो चार्जेस होता है वो गाड़ी के हिसाब से होता है, लेकिन जनरल जो चार्ज स्टार्ट होता है वो 2500 से स्टार्ट होता है मिनिमम, छोटी गाड़ी के लिए 2500। ठीक है। और अगर मान लीजिए स्कॉर्पियो या बड़ी गाड़ी आप लेके आ रहे हो तो 3500 से 4 हजार रुपए तक का भी चार्ज होता है। अगर मान लीजिए आपके पास में दिन में 3 गाड़ी आ रही है 3000 रुपए चार्ज वाली, तो भी आपका 9000 रुपया मिनिमम टू मिनिमम आप घर लेके ही जाओगे। ठीक है। जिसमें आपका एक्स्ट्रा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है मशीन के अलावा। सर आप मुझे इसका लाइव डेमो दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी के अंदर आप करके दिखाएं, जिससे मुझे भी पता चले कि कितना ये वर्क करती है। बिल्कुल सर, मैं आपकी गाड़ी में करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। ओके। सो गाइस, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, और अभी इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर लाइव डेमो होने वाला है कि किस तरीके से मशीन वर्क करती है और मेरी गाड़ी में क्या कमी है, ये सही चल रही है या नहीं चल रही है, इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी कमी आएगी तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिख जाएगी। सर थोड़ा सा पूरा प्रोसेस करके बताएं कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है और जो भी स्विचेज वगैरह किस तरीके से कोई व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल सर, देखिए अभी हमने मशीन का प्लग जो है लगा लिया है, मशीन चालू हो चुकी है। मशीन चालू होने के बाद में यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो दिखाई देगा। ठीक है। कंपनी के लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन मांगेगा कि कौन सी गाड़ी आप लेके आए हो, बाइक है, कार है, ट्रक है, ऑटो रिक्शा है या कोई और व्हीकल है। ठीक है। तो आप यहाँ पे गाड़ी लेके आए तो कार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पूछ रहा है कितने सीसी का इंजन है। ठीक है। आपका जो गाड़ी का इंजन है 1200 से 1800 सीसी का हम सेलेक्ट करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली हुई है। तो यहाँ पे हम 1 लाख+ किलोमीटर सेलेक्ट करें, क्योंकि आपका गाड़ी 1 लाख+ किलोमीटर चल चुका है। ठीक है। उसके बाद से मशीन ने ऑटोमेटिकली टाइम वगैरह सब कुछ सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। ओके। अब आपको केवल यहाँ पे स्टार्ट का क्लिक करना है। स्टार्ट क्लिक करने के बाद में आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करेंगे, इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया है, यानी क्लीनिंग पिस्टन। अभी सबसे पहले आपकी गाड़ी के जो पिस्टन्स हैं वो क्लीन हो रहे हैं। उसके बाद क्लीनिंग वाल्व, जो इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं आपकी गाड़ी के, वो क्लीन होंगे। फिर आपका एग्जॉस्ट पाइप या कैटलिक कन्वर्टर जिसको हम बोलते हैं वो पूरा क्लीन होगा। फिर DPF आपका क्लीन होगा गाड़ी का। ठीक है। उसके बाद आपका गाड़ी का प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो सर थोड़ा सा करके बता दीजिए। बिल्कुल सर, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मशीन ने हाइड्रोजन गैस प्रॉपर्ली बनाना शुरू कर दिया है, जो कि गाड़ी के एयर इंटेक में जाएगा आपके।
यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे ये मशीन से आया हुआ पाइप है, इसको हम जो है गाड़ी के एयर इंटेक यानी कि होस पाइप में डालेंगे जो कि एयर फिल्टर के बाद में होता है। आपको केवल और केवल इतना ही करना है कि गाड़ी का जो होस पाइप है उसमें आपको ये पाइप डालना है, ठीक है, बाकी सारा काम मशीन अपने आप देख ले, बस इतना ही करना है, कुछ खोलने की जरूरत नहीं है बोल्ट वगैरह जी, नहीं कोई भी नट बोल्ट आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये पाइप आपको एयर इंटेक में यहाँ पे डाल देना है और इसको वापस ऐसे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, बस अब जितना समय के लिए आपका मशीन चालू रहेगा उतना समय के लिए आपको गाड़ी को भी ऑन रखना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा। अभी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब जैसे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो हमें गाड़ी को थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर देना पड़ेगा हर 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर में। आइए थोड़ा एक्सीलेटर आपको देके दिखाते हैं कैसे आपको करना रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आइडल पे गाड़ी खड़ी हुई है तो आपको जो एक्सीलेटर है तकरीबन 2 से 2500 आरपीएम तक लेके जाना है और छोड़ना है इस तरह से। ओके कितने आरपीएम तक छोड़ना है? 2 से 2500 आरपीएम तक आपको ले जाना है, 1 से 2 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। ये प्रोसेस कितनी देर तक करना पड़ेगा आपको? जब तक मशीन का टाइम कम्प्लीट नहीं होता तब तक हर 10 से 12 मिनट में आपको ये बार बार करना पड़ेगा, तकरीबन 10 बार। ओके ठीक है सर, आपने ये सारी चीजें तो कर दी, ठीक है, अभी मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी में कुछ कमी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए गाड़ी में आपको तुरंत के तुरंत रिस्पांस मिलता है, हम लोग 100% रिस्पांस की गारंटी देते हैं। ओके इसमें आपको बेटर माइलेज, बेटर पिकअप, स्मूथनेस गाड़ी में, गाड़ी का नॉकिंग साउंड आपका लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर गाड़ी पोल्यूशन ज्यादा देती है तो पोल्यूशन आपकी गाड़ी का तुरंत के तुरंत आपका खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट। ओके और ये आप इजिली पता भी कर सकते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट निकलवा करके, ठीक है। ऐसा आप देख रहे हैं मशीन के फ्रंट पे सारे बेनिफिट्स आपको लिखे हुए मिलते हैं, ये कंपनी आपको सारे बेनिफिट्स गारंटी देती है, जैसे कि आपका जो इंजन का लाइफ है वो डबल होगा, ये कंपनी गारंटी देती है, अगर आप रेगुलर टाइम पे अपना कार्बन क्लीनिंग कराते हैं तो आपका इंजन का लाइफ बढ़ेगा, पिकअप इंप्रूवमेंट होता है, आपका माइलेज में इंप्रूवमेंट होता है, पोल्यूशन में जो ब्लैक स्मोक है वो आपका 72% तक कंपनी खत्म करने का गारंटी देती है, जनरली कस्टमर को 80-90% तक ब्लैक स्मोक में रिडक्शन मिल जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन में आपको कमी मिलती है, ब्लैक स्मोक कम मिलता है आपका, ठीक है, इंजन लाइफ आपका जो इंजन का पावर है पिकअप रिस्टोर होता है दोबारा से, तो ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं। ओके यहाँ पे आप देख पाएंगे जो जो पार्ट्स आपके क्लीन होंगे वो सारे पार्ट्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंजन वाल्व है, पिस्टन हेड है, फ्यूल इंजेक्टर्स हो गए आपकी गाड़ी के, स्पार्क प्लग हो गया, ईजीआर सिस्टम का हो गया, एग्जॉस्ट पाइप हो गया, डीपीएफ हो गया, कैटलिक कन्वर्टर होगा, ये सभी पार्ट्स आपके जो है ये मशीन क्लीन करती है बिना इंजन को खोले हुए, बिना एक मिनट बोल्ट खोले हुए, ठीक है। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर इतना कुछ हार्ड काम नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी इस काम को कर सकता है, क्योंकि सिंपली आपने कुछ नहीं किया, मशीन को स्टार्ट किया, ये सारा ऑटोमेटिक सारा काम होता है, आपने पाइप यहाँ पर लगाया, सिंपल गाड़ी को स्टार्ट किया जी, बस इतना ही काम करना पड़ता है इसमें। देखिए इसको रखा ही इस तरीके से गया है कि कोई 12-13 साल का बच्चा भी इसको चला लेगा, चला सकता है। ओके। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जैसा कि हमने चालू किया था तो आप यहाँ देख पाएंगे कि पहले ये पिस्टन क्लीन कर रहा था, पिस्टन क्लीन करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये वाल्व क्लीनिंग पे चला गया है, ठीक है, तो मशीन को पता है कि गाड़ी का कौन सा पार्ट किस तरह से क्लीन करना है, तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको केवल जो होस पाइप में पाइप डालना है और मशीन को चालू करके छोड़ देना है, आधे घंटे का सर्विस ले रहा है मशीन, आधे घंटे में जो कुछ भी मशीन को करना है वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको किसी भी तरह का मेहनत करने का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी इसका सेटअप लगा सकते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि इधर से गाड़ियां निकलती इधर जाती उधर जाती है, बिल्कुल सिंपल एक बैनर लगाना है, बैनर लगा करके पूरी मशीन लगाना। देखिए इस टाइम पे अगर आप बिजनेस की बात करें तो इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप कोई भी बिजनेस करते हो, मान लीजिए आप कपड़े का दुकान लगाओगे तो कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा और उसमें भी रिटर्न का गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे आपका बहुत कम लागत में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको इनकम का गारंटी है, क्योंकि हर एक गाड़ी जो पेट्रोल हो चाहे डीजल गाड़ी हो उसमें आपका परफॉर्मेंस गिरता है 20-30,000 किलोमीटर बाद में परफॉर्मेंस पूरा डाउन हो जाएगा, बिल्कुल, और ये मशीन क्या करती है उसको रिस्टोर कर देती है, दोबारा से आपका गाड़ी उसी तरह से पिकअप माइलेज सब कुछ देगा जैसे बिल्कुल नया आप करा के लाए हो गाड़ी, एक तरीके से आपके इंजन जो है वो अंदर से बिल्कुल नए की तरह हो जाता है, बिल्कुल, तो ये बेनिफिट आपको इसमें मशीन में मिलेगा। गाइस मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है मशीन, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा मेरी गाड़ी क्लीन हो रही है, सारी चीजें यहाँ पर मुझे पता चल रही है कि मेरी गाड़ी में कौन सी कमी है कौन सी कमी नहीं है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर आज के टाइम में देखो नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है, लोग नौकरी के चक्कर में 4-4, 5-5, 10-10 साल खराब कर देते हैं,
और उनको फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है। अभी देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं, एजुकेशन पूरी हो गई है, लेकिन वो नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि इस तरह के बिजनेस मार्केट में उनको इजीली अवेलेबल है, लेकिन उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं चलता कि यार मैं, वो फिर डिसाइड नहीं कर सकते, डिसीजन लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, लेकिन उनको भी घर बैठना पसंद नहीं है, वो भी ढूंढते रहते कुछ ना कुछ करने। तो ये एक इस तरह का इजी टाइप बिजनेस है जिसमें आपको किसी भी तरह की हार्ड वर्क या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आराम से पूरे दिन कुर्सी पे बैठे रहो, आता है करके दे दो आराम से, बढ़िया मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा अपने एरिया में, थोड़ा प्रचार करना पड़ेगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा लागत। बस लोगों को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर वो काम हो रहा है, बिल्कुल केवल मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाकी लोग क्लाइंट अपने आपके पास में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी कंपनी आपका पूरा सेटअप कराती है, आपको क्लाइंट लाके देने तक का पूरा जो प्रोसेस है वो हमारी तरफ से हैंडओवर में रहेगा, हम पूरा हेल्प करते हैं कि नया क्लाइंट कैसे बनाना है, सेटअप कैसे करना है, होर्डिंग कैसा रहेगा, डिजाइनिंग वगैरह आपका शॉप का, हाँ, सब कुछ कंपनी करा के देगी। अगर किसी को इस चीज समझ नहीं आ रही कि मुझे किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, हाँ, पूरा कंपनी हेल्प करेगी। इवन दो हम लोग आपका जैसे प्रचार करना है, प्रचार के लिए वीडियो कराने के लिए लड़का वगैरह भेजना है, वो सब भी हम लोग करा के देंगे आपको। ओके, और सर मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसके लिए क्या करना है? देखिए हमारा पैन इंडिया लेवल पे प्लस आउट ऑफ इंडिया में भी काम है, अभी कुछ मशीन हमारी दुबई में भी है, अबू धाबी में है, इसके अलावा हमारी कई जगहों पे मशीन डिस्ट्रीब्यूट है, अभी इंडिया में मान के चलिए 700 प्लस सेंटर्स अभी रनिंग में है, इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया में भी रनिंग में है, तो सर्विस आपको हर जगह अवेलेबल है, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो सर्विस आपको मिलेगा। 5 साल का कंपनी का वारंटी है मशीन के साथ में, 5 साल का, 5 साल तक का, 5 साल तक आपको मशीन के बारे में कोई भी जरा सा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको पूरा सेटअप हमारी तरफ से करा के दिया जाएगा। ठीक है सर, आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए, देखिए व्यक्ति कैसे आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल सर, देखिए सबसे आसान माध्यम तो आपका चैनल है, आपके चैनल पे हमारा नंबर नीचे व्यू हो रहा है, उस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी उस नंबर। अच्छा, तो विजिट करना चाहते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे दो ऑफिस इस टाइम पे अवेलेबल है, एक है नरेला दिल्ली में और एक है नोएडा सेक्टर 53 में, तो आप दोनों ऑफिस में से कहीं भी विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली पूरा एड्रेस भी ले सकते हैं, आपको मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद ही करते हैं? हाँ, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है सर। ओके, 2016-17 से हम लोग इसको रनिंग में है। ठीक है, तो भाई मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, बिजनेस आइडिया काफी हद तक पसंद आया होगा, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, हर कोई इस चीज को नहीं कर पा रहा है, अगर आप इसे करेंगे तो सच में आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं दिल्ली से निकल चुका हूँ, मेरे को एक दिन वहीं पे स्टे करना था, सो मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकला हूँ और अभी मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। जैसा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर देख पा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी पहले से बेटर माइलेज दे पा रही है, एंड इसमें थोड़ा बहुत जो कार्बन निकल रहा था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अभी धीरे धीरे मुझे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। तो आप भी गाइस इसका बिजनेस कर सकते हैं एंड घर बैठे पैसे कमा सकते हैं कहीं पर भी।